और हमें सीधा जंप कर कर अंदर जाना होगा। और ये देखे हबीबीस, हम जैसे ही अंदर गए चार केस पड़ गए हबीबीस, जो पूरी आर्मी हमारे पीछे लग चुकी है। इसमें एक बार हैंगर में निकलते, और ये देखिए हबीबीस कितनी पुलिस आ चुकी है, देखिए हबीबीस कि आर्मी वालों ने बैटमैन की कार पकड़ ली है, एके ब्रूस वेन। तो वहां पर वो बेचारा पता नहीं घूम रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, पर उन्होंने उसकी कार पकड़ ली है। और अब हमें फ्रैंकलिन ने इन्फॉर्मेशन दिया, उसने सब कुछ सेट कर रखा है कि हम कैसे अंदर जाएंगे, बाहर का हमें उसने कुछ नहीं बताया। बट अब हम वहां जाके देखते हैं, हमें वहां फ्रैंकलिन सीधा मिलेगा। और अब हम सीधा चलते हैं मिलिट्री बेस पर हबीबीस, और वहां जाकर देखते हैं कि क्या सिस्टम चल रहा है, क्या फ्रैंकलिन ने करा है। तो आज हम अपनी लैम्बोर्गिनी सियान लेकर जाएंगे, क्योंकि यहां पर हमारे पास इतनी जगह भी नहीं है हबीबीस, हमारे इस गैराज में जगह भी नहीं है इतनी हबीबीस। तो हम इसे वहां पर जाकर उसे दे देंगे फ्रैंकलिन, ताकि वो इसे ठीक भी करा दे, हमने गलती से ठीक थी, इसे वहां पर रख भी दे। तो फ्रैंकलिन ने हमें जो जगह बताई है वो है ये, देखिए इसका नाम भी बैटमैन है, उसने नाम भी रख दिया हबीबी। तो अब हम सीधा चलते हैं वहां पर, ये है तो बहुत दूर पर कोई बात नहीं हबीबी, हमें जाना तो है ही है वहाँ, और हमारे पास कार भी बढ़िया है, तो हमको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हबीबी। और अब हम देखते हैं इस गाड़ी के साथ, मजा भी आएगा वो चलाते हुए, क्योंकि भाई साहब आप जानते ही हैं कितनी तेज है हबीबी, ड्रिफ्टिंग देखिए हबीबी, और ये हमें डीपर क्यों मारा है, जल हो गया है ये। पर हबीबी उसने हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दी है, ये देखिए हबीबी, पता नहीं हमारी कार से क्या दुश्मनी, हमारी गाड़ी के आगे आते रहते सारे। तो हबीबी उसने हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दी है कि जो बैटमैन की ही कार है, और वो बैटमोबाइल है जहाँ तक हमें उसने दी है इन्फॉर्मेशन। तो गाइज हमें तो नहीं पता, अंदर ही जाके पता लगेगा हबीबी, पर एक बात है, इसे मिशन को करने में मजा बढ़ाएगा हबीबी। तो हबीबी ये थोड़ा सा दूर रास्ता है, अब हम इसे जल्दी जल्दी कवर कर देंगे आपके लिए, हम आपसे सीधा मिलते हैं वहीं पर। तो हबीबी हमें पहुंचते पहुंचते शाम हो गई, पर कोई बात नहीं, अच्छा है, अंधेरे में हम इजीली चुरा पाएंगे वो गाड़ी। और यहीं पर वो लोकेशन है हबीबी, तो अब फ्रैंकलिन मिलेगा, अब हम फ्रैंकलिन को ढूंढना होगा हबीबी। तब हम अपनी गाड़ी यहीं खड़ी कर देते हैं ताकि वो फ्रैंकलिन ले जाए यहाँ से, और अब हम फ्रैंकलिन के पास चलते हैं ऊपर, क्योंकि ऊपर नहीं चढ़ेगी हबीबी गाड़ी, तो अब हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। तो ये गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ेगी हबीबी, तो अब हमें ये थोड़ी सी पहाड़ी पर पैदल ही जाना पड़ेगा। फ्रैंकलिन थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि ये बेचारा दौड़ता वगैरह नहीं, तो अब इसे दौड़ना पड़ रहा है, तो इसे टाइम लग रहा है। और यहीं पर हम वो देखिए, वो खड़ा हमारा दोस्त फ्रैंकलिन। तो हबीबी अब हमें ये देखिए मिल गया, और ये अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फ्रैंकलिन इसे मिल गया और मैं इसे बाइक लेके जाना है। और देखिए वो सामने रैंप लगा हुआ है, तो गाड़ी हमारी फ्रैंकलिन ले जाएगा हबीबी। तो चलिए अब हम चलते हैं और सीधा अंदर बढ़ते हैं हबीबी, और अब हमें सीधा जंप कर कर अंदर जाना होगा। और ये देखिए हबीबी, हम जैसे ही अंदर गए चार केस पड़ गए हबीबी, और ये गाने हमें नहीं सुनने, क्योंकि ये देखिए हबीबी हम अंदर बढ़ते ही चार केस पड़ चुके हैं, और अब हमें जल्दी जल्दी को ढूंढनी पड़ेगी हबीबी, क्योंकि ये देखिए कैसे हमारे पीछे लग चुके हैं हबीबी, जो पूरी आर्मी हमारे पीछे लग चुकी है, ये अभी हमें इतनी जल्दी जाने नहीं देंगे। ये देखिए हमें कैसे गोलियां मार रहे हैं, और हमें जल्दी से वो गाड़ी ढूंढनी पड़ेगी, वो बैटमैन की बैटमोबाइल, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा उसे चलाते हुए हबीबी। तो हबीबी हम ये देखिए ऐसे जंप भी कर सकते हैं, और ये देखिए ट्रक कैसे आ चुके हैं, वो देखिए एरोप्लेन लैंड हो रहे हैं, ये देखिए हबीबी जी हम ऐसे नहीं जाने देंगे, ये आर्मी वाले हमें बहुत गोलियां मार रहे हैं हबीबी, पर कोई बात नहीं है, ट्रक भी हमारे आगे लेके आ रहे हैं, पर हम बख्शेंगे नहीं। अभी हम देखते हैं हबीबी नहीं, यहाँ पर तो जेट खड़े हैं हबीबी, माइकल को जल्दी ढूंढना पड़ेगा, इसमें एक बार हैंगर में देखते हैं। और ये देखिए हबीबी ये हमें मिल गई, देखिए और ये देखिए अंदर लेके पड़ेगा, देखिए वो लड़की, ये पक्का उसकी ही गाड़ी है, और हबीबी हमें जल्दी से ही लेके चलते हैं। और देखिए हबीबी बैटमोबाइल आग भी छोड़ती है हबीबी अब इसके अंदर, और देखिए गोलियां भी छोड़ती है हबीबी, ओ माय गॉड, ये देखिए हबीबी ये टैंक आ चुके हैं, और ये टैंक बहुत गंदा मारेंगे हबीबी। तो अब हमें जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, और हमको जल्दी से इवेड होना पड़ेगा, पर उस फ्रैंकलिन ने ये नहीं बताया हमें बाहर कैसे निकलना पड़ेगा। पर हबीबी ये देखिए ये जंप के लिए लगे हो, ये देखिए हमने अभी देखा था कि हबीबी हम यहाँ से जंप कर पाए थे इनके ऊपर से, तो क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो हम सोच रहे हैं, क्या हम इसके ऊपर से जंप कर पाएंगे हबीबी? अगर हम जंप कर पाए तो हम शायद यहाँ से इवेड कर जाएं। तो अब देखते हैं, क्योंकि हमारे पीछे पुलिस पड़ चुकी है हबीबी, और ये पूरी आर्मी हमें मारने के लिए तुली हुई है,
पर हम डरते नहीं हैं अभी भी, हम भी ये बैट मोबाइल लेके ही जाएंगे अभी भी। तो आप देखिए अभी भी, ये देखिए ये हमें ठोकने आए थे पर ये खुद ही ठोक गए। तो अभी भी अब क्या आप भी वही सोच रहे जो हम सोच रहे हैं? तो कराते हैं अभी भी इसकी जंप। तो चलिए अभी भी अब हम देखते हैं कि क्या ये जंप करेगी कि नहीं अभी भी। और ये देखिए अभी भी जंप कर दी गाड़ियां नहीं उठती माइक, सिर्फ भी हमने इसे उठा दिया और हम सीधा एयरबेस से बाहर आ गए अभी भी। फिर गाड़ी पलट गई पर कोई बात नहीं है अभी भी, हम कम से कम वहां से बाहर तो आ गए। देखिए ये वो कम होने लग गए हैं और वो हमें ढूंढ रहे हैं, वो स्टार हमारे कम होने लग गए पर वो हमारे ढूंढने आ रहे हैं पर वो बाहर नहीं आ सकते बेचारे। तो अब हम धीरे धीरे इवेड होने की ट्राई करते हैं अभी भी। और तो चलिए देखते हैं कि क्या ये इवेड हो पाएंगे अभी भी। नहीं तो इसने हमें देख लिया तो इन्हें तो हम उड़ा कर ही जाएंगे अभी भी। ये हमसे चौड़े हो रहे थे अभी भी पर पता नहीं इनके अंदर भी गोलियां लगी हुई है। देखिए इन्हें गोलियां मार रहे हैं, इनकी तो गाड़ी उड़ा देंगे अभी भी। और ये हम पर बहुत गोलियां मार रहे हैं अभी भी और ये गाड़ी बुलेट प्रूफ है तभी इनको और हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि बुलेट प्रूफ गाड़ी पर जितनी मर्जी गोलियां मार लीजिए अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और गाड़ी आगे से आ रही है, आ जाएगी। ये देखिए अभी भी ये उड़ उड़ कर बजेंगे हैं साले, हमसे चौड़े होएंगे पर इन्हें पता नहीं। और देखा पुलिस वाले भी आ गए अभी भी। अब हमें जल्दी से कहीं ना कहीं जाके इवेड करना पड़ेगा। और देखिए पूरी आर्मी आ गई अभी भी, और देखिए स्क्वाड वाले भी आ गए। अब हम कहाँ जाएं अभी भी? ये तो हमें जहाँ नहीं दे रहे अभी भी। इन्होंने तो हमें घेर लिया पर अभी भी हम भी ऐसे ही गाड़ी नहीं देंगे, आपको भी पता है। ये देखिए अभी भी अब देखिए अब हमने यहाँ से तो कवर करके निकल गए। हमें जल्दी से हाईवे पर निकलना होगा, हमें हाईवे का रास्ता नहीं मिल रहा है तभी ये हमें यहाँ पर जंगल से हमें घेर रहे हैं अभी भी। पर यदि जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं इन्हें तो हम उड़ा उड़ा कर फेंक ही रहे हैं और हम खुद भी उड़ रहे हैं क्योंकि इस गाड़ी के कुछ ज़्यादा ही ड्रिफ्टिंग होती है। और कुछ यहाँ पर गारा भी है अभी भी जिसके कारण शायद ड्रिफ्टिंग हो रही है, पर कोई बात नहीं। देखिए हम किसी टनल से में तो आए अभी भी और हम जल्दी से आपके लिए इवेट करने की कोशिश करते हैं। पर ये हर जगह आ चुके हैं अभी भी, तो हमें कहीं ना कहीं तो चढ़ना ही पड़ेगा। तो अब हमें खुद ही ढूंढ गई, हमें रास्ता दिखा था पर ये मिट्टी होने के कारण ये गाड़ी फिसल रही है यहाँ पर। तो कोई बात नहीं अभी भी हम हाईवे पर तो चढ़ ही गए। ये देखिए अभी भी अब हम फाइनली हाईवे पर चढ़ चुके हैं। इन्होंने रोड ब्लॉक कर रखे हैं पर हमें कौन सा फर्क पड़ता है अभी भी? ये चार केस तो हम ऐसे ही उतरवा देंगे और नहीं तो अब हमें कहीं ना कहीं तो जाके छुपना ही पड़ेगा। या तो हम चलते हैं उसकी फील्ड पर, ड्राइवर की फील्ड पर जहाँ पर उसका एयरबेस है, नहीं तो हमें किसी सुनसान सी जगह पर जाकर इवेड करना होगा अभी भी। पर अभी तो हम इसे जंप कराते हैं। ये देखिए अभी भी ये फट ना जाए, बहुत फट ही नहीं शुक्र है अभी भी। और ये देखिए लटक गए पर कोई बात नहीं, अब हम शायद किसी गाँव में आ गए हैं अभी भी। पर कोई बात नहीं, हम जल्दी से जल्दी इन्हें भी पे लेंगे अभी भी। और ये देखिए ये गारे में कुछ ज़्यादा ही धस चुकी थी तो इस कारण ये बहुत ज़्यादा ड्रिफ्ट कर रही है अभी भी। और ये हेलीकॉप्टर हमें ऐसे नहीं जाने दे रहा अभी भी। और कितनी पुलिस आ चुकी है देखिए अभी भी। और ये देखिए अभी भी इस पर हम इन्हें बख्शेंगे नहीं, हमारे पीछे पुलिस की गाड़ियाँ लग चुकी हैं अभी भी। और ये भाई साहब हमें नहीं लगता इतनी ईजिली हमें ये गाड़ी लेके जाने देंगे अब की बार, क्योंकि हमने आर्मी बेस पर उठा लिया अभी भी। और ये देखिए हमने गलत टाइम पर बूझ दे दिया और हम इनसे बचने के लिए देखते हैं क्या ये काम आएगा अभी भी। हमारे तो गाड़ी ही ये पलटती रहती है अभी भी। ये बैटमैन पता नहीं कैसे चलाता इसे अभी भी। दीदी हम जरा सा बूझ कर दे तो ये तो उड़ उड़ कर चलती है अभी भी। पर हम इसे जल्दी से इवेड करने की पूरी कोशिश करेंगे अभी भी। अंदर से देखिए अभी भी इसे क्रूज कंट्रोल पर अच्छे लग रहे हैं अभी भी, क्योंकि तभी इसके अंदर बैटमैन बैठता है और इसे चलाता है। और वहाँ लड़की भी खड़ी थी, शायद वो बैटमैन की गर्लफ्रेंड होगी जिसे उन्होंने उठा लिया होगा। ये अब हम फील्ड पर आ चुके हैं अभी भी। और अब हम देखिए ये हमारे ट्रेवल की फील्ड है अभी भी, यहाँ भी पुलिस आ चुकी है तो हमें यहाँ से भी चलना ही होगा। ये हमें कूते के बच्चे जाने नहीं दे रहे। ये देखिए अभी इसकी तो गाड़ी उड़ा देंगे हम, पर उड़ी नहीं अभी भी। ये गोलियां पता नहीं कैसी हैं अभी भी, पर आप देखिए अभी भी अब हम इनकी बूझ देखे देखे स्पीड देखे 234 तक पहुंच जाती है अभी भी। पूरे हर जगह आ गए हैं अभी भी, अब हम कहाँ जाएंगे? तो हमें जाने ही नहीं दे रहे अभी भी। बताइए अब हम इवेड कैसे करें? फिर भी हम पूरी ट्राई कर रहे हैं ताकि हम इवेड हो जाएंगे। सिर्फ हेलीकॉप्टर ही पीछे हट जाए तो बढ़िया है। देखिए ओहो आगे भी पुलिस वाला है, ये सिर्फ हेलीकॉप्टर ने ही लो भी रखा है। और अब हम कहाँ जाएँ अभी भी? ये जहाँ हमें ढूंढ ना पाए। हम एक बार तो इवेड होने से बच गए पर कोई बात नहीं अभी भी आप भी खेल रहे हैं निखिल के साथ और अभी भी हम इतनी ईजली इस गाड़ी को नहीं जाने देंगे। और अब हम देखते हैं कि हम पहाड़ी से पहाड़ी कहाँ जा सकते हैं अभी भी। एक गाड़ी तो हमारे पीछे पुलिस वाला दौड़ा रहा है जी, ये अपने आप को हमारे जैसा समझता है, झल्ला हो गया है अभी भी। जी इस पता नहीं ये बैटमैन की कार है और ये सस्ती कार है, ये ठुक जाएगी तो। ये देखिए हमें ठोकते कोई बात नहीं अभी भी, हम इनसे डरते नहीं।
हम कहीं ना कहीं तो जाएंगे हबीब जी, और ये गाड़ी जरूर जाएंगे ही जाएंगे और अपने गैराज में खड़ी कर देंगे हबीब जी। ये हमें इतनी जल्दी तो घर नहीं जाने देंगे हबीब जी। तो हबीब जी हमने देख रहे हैं कि ये गाड़ी एक तो गारे में धस चुकी है और हमें इतनी इजीली भी नहीं जाने दे रहे। तो अब हम क्या करते हैं हबीब जी, हम सीधा चढ़ते हैं हाईवे पर और सीधा अपने घर की तरफ देखते हैं हमारा घर है कहाँ। तो हबीब जी वो रहा हमारा घर। तो अब हमारे पास एक आइडिया आया है क्योंकि हमें इवेड नहीं होने देंगे इतनी इजीली। तो अब हम क्या करते हैं अभी भी सीधा चलते हैं अपने घर, तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाएंगे और अगर रास्ते में हम इवेड हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, नहीं तो एक और प्लान है हमारे पास अभी भी, वो आपको टाइम पर ही पूरे बताएंगे। हम बस देखते जाएंगे ये जो रास्ते में आ रहे हैं इन्हें तो हम ऐसे उड़ाते जाएंगे अभी भी। एक बार हम हाईवे पर दोबारा चढ़ जाएंगे क्योंकि जो गारे का रास्ता होता है ये हमारी गाड़ी को ड्रिफ्ट करा देता और फिसल देता है। देखो हमारी गाड़ी कितनी जल्दी फिसल जाती है अभी भी। तो कोई बात नहीं अभी भी हम धीरे धीरे, और ये देखिए पलटती पता नहीं क्यों अभी भी ये बहुत जल्दी पलट जाती, पता नहीं है क्या हो रहा है इस गाड़ी को। ये देखिए तुम हमारे रास्ते में खड़े आ जाइए, और आ जाइए अभी भी। ये देखिए ये इतनी जल्दी इतनी इजीली संभलती भी नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही एडवांस कंट्रोल पर है अभी भी। पर कोई बात नहीं, हमारा जाना कहाँ है और अभी भी ये उड़ कहाँ कहाँ रही है। और ये देखा फिर बात फेंक दी इस गाड़ी ने, ये गाड़ी जल्दी हो गई क्योंकि इसकी अगली वो जो स्क्रीन है वो नहीं है, तो वो इस कारण ये ज़्यादा तेज जब भी ठुकती है तो हम बाहर आ जाते हैं अभी भी। पर कोई बात नहीं अभी भी, ये हमें नहीं लगता इतनी जल्दी वेट करने देंगे शायद ही। तो चलिए अभी भी अब हम जा रहे हैं और देखते हैं। तो अभी भी अब हम क्या करें आप ही बताइए, ये हर जगह खड़े हैं अभी की, हर जगह रोड ब्लॉक लगा कर, और एक सामने से भी कितनी गाड़ियां आ चुकी है, पता नहीं क्यों खड़ा था ये। देखिए ये बेचारा तो ये ऐसी है लपेटे में आ गया और उड़ गया बेचारा वो FBI वाला, एक आगे को रोड ब्लॉक। ये देखिए इन रोड ब्लॉक्स की तो ऐसी की तैसी कर दी अभी भी हमने। अब हम थोड़ी सी ही दूर है अपने घर से अभी भी, अब हम क्या करते हैं अभी आपको दिखाएंगे अभी भी। एक बार हम अपने घर पहुंच गए, ये अभी भी साइड हट जा रहे, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर ही गाड़ी चढ़ा दे। वही बोली थी एक दिखे अभी ये इवेड हो रहा है, इवेड हो रहा है। नहीं 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 अभी भी ये गाड़ी इतनी जल्दी इवेड नहीं होने वालों में से लगती है अभी भी। ये देखिए हमें नहीं लगता है हमें इवेड होने देंगे। ये देखिए जो भी गाड़ी आती है ठूक ठूक के चली जाती है अभी भी, इसका ये फायदा तो है अपने पलट भी बड़ी जल्दी जाती है अभी भी। जब हम क्या बताएं, अब हम इतने अच्छे ड्राइवर तो नहीं है पर फिर भी हम इस पूरी कंट्रोल करने की ट्राई करते हैं अभी भी। ये देखिए एक और रोड पर हमने इसे भी उड़ा दिया अभी भी। तो अभी भी ये देखिए अब हम अपने घर के रास्ते पर पहुंच गए, और ये देखिए पेडेस्ट्रियंस हमारी हेल्प कर रहे हैं अभी भी, जो पुलिस वालों को ठोके एक डर के ठोक रही हैं पता नहीं, पर ये इतने अच्छे नहीं है अभी भी। ये देखिए अभी भी जब हम अपने घर की तरफ बिल्कुल थोड़ी सी इसी से रोड ब्लॉक को तोड़ा के जाएंगे कि फाइनल रोड ब्लॉक है हमारे घर से। ये देखिए वो गाड़ी कहाँ उठ कर बजी अभी भी। तो अब हमारे पास एक ही आइडिया बचता है अभी भी, क्या हम करते हैं देखिए अब हम इसी, अब हम क्या करेंगे अब हम अपने ये अभी साइड हट जाए। ये देख हमें उंगली दिखा रहा था कर मैं इसे बेच के खुद ही ठोगा, पर अब हम इसे मार के भी देखिए अब हम अभी भी क्या करते हैं, हमारा घर का गेट खोल दिया इसे, थैंक यू हमारे घर हमारे मेंशन ने। तो अब हम क्या कर रहे हैं अभी भी, हमने ये गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी और अब हम सीधा घर के अंदर चलते हैं लड़ने के लिए, और कोई ऑप्शन नहीं है। हमें इतना पता है अगर हम गैराज में गाड़ी खड़ी करेंगे तो शायद हम सेव हो जाएं अभी भी। और ये देखिए जो भी अंदर आएगा हम उसे उड़ा देंगे। अभी हम देखते हैं, ये देखिए अभी अंदर आया अभी भी एक आया, और ये देखिए जो भी हमसे लड़ने आएगा हम उसे उड़ा देगा अभी भी। ये क्या हम इसे चौड़े होंगे, अब हम इनसे बाहर लड़ने जाएंगे, कहाँ है ये। ये देखिए इनकी तो मुंडियाँ उड़ा देंगे हम अभी, हमारे घर पर देखिए उन्होंने जाम लगा दिया अभी भी पुलिस की गाड़ियों का। तो कोई बात नहीं, ये हमें भी मार सकते हैं हम इन्हें भी मार सकते हैं, हम इनको तो अच्छे वालों को मार के ही जाएंगे अभी भी। ये बेचारे थोड़े से रह गए बस, ये इतने से ही थे देखिए अभी। और अभी भी हम वहाँ पर बुश के ऊपर चढ़ रहे थे और हम फाइनली इन्होंने हमें मार दिया अभी भी। हमें देख रहा है अब अभी भी क्या अब हमारी गाड़ी वहाँ पर खड़ी होगी कि नहीं। तो अब हम अभी भी हॉस्पिटल से बाहर आ चुके हैं और अब हमें जल्दी से कोई गाड़ी देखनी है अभी भी। तो अभी भी अब हमें नियर एंड देयर एक यही गाड़ी दिखी, तो अब हम इसे ही उठा लेते हैं और चलिए चलते हैं अभी भी। और ये पहले तो स्टार्ट करेगा इसे, और अब हम अपने सीधा घर की तरफ देखते हैं अभी भी हमारे घर पर वो गाड़ी खड़ी है कि नहीं। अभी भी हमें नहीं पता वो गाड़ी खड़ी भी होगी कि नहीं, कि 99% चांसेस हैं कि वो गाड़ी खड़ी होगी अभी भी। हम अपने घर से बस थोड़ी ही दूर आई, देखिए हर जना हमारे आगे पता नहीं क्यों आता है अभी भी। तो अभी भी हम अपने घर से बस थोड़ी ही दूर रह गए, अब हम देखते हैं हमने बैटमैन की गाड़ी तो उठा ली, अब वो बैटमैन बेचारा गौतम के लिए लड़ेगा किससे अभी भी। हमने गाड़ी तो उसकी उठा ली, पर कोई बात नहीं अभी भी अब हम देखते हैं यही है वो फाइनल मोमेंट, क्या वो गाड़ी वहाँ खड़ी है या आर्मी वाले ले गए अभी भी, और देखते हैं। यस
फाइनली अभी भी ये गाड़ी यहीं खड़ी है अभी भी, और हमने फाइनली इसकी बैटमैन की गाड़ी उठा ली। बट देखिए इसका टायर देखिए अभी भी कितने बड़े बड़े हैं, देखिए उसने रिपेयर भी करा दी अभी भी, और ये कितना अच्छा है हमारा दोस्त फ्रैंकलिन। और अब देखिए अभी भी, और अब दिखाते हैं हम इसको गाड़ी, देखिए अभी भी कितनी अच्छी लग रही है अभी भी। ओ माय गॉड अभी भी, और ये जो पीछे इसके बूस्टर है अभी भी, ये तो आपको पता ही है कैसे कितनी जल्दी उड़ जाती। और अब हम इसके अंदर से दिखाते हैं अभी भी, देखिए अंदर से इसके ऐसे हैं, और देखिए ये इसके अंदर के क्रूज कंट्रोल है अभी भी। हमें ये चलाकर तो बहुत मजा आया, हम इसे एक तरीके से नहीं ले पाए, पर फाइनली वो बेचारे इसे नहीं लेकर गए, पर उन्हें पता नहीं लगा होगा शायद कि हमने गैराज के अंदर गाड़ी खड़ी कर दी अभी भी। देखिए हमारे गैराज में एक वो गाड़ी ऐड हो गई, और वो जो हमारी लैम्बोर्गिनी सियान थी वो हमने फ्रैंकलिन को कह दिया था, वो उसने जाकर वहां पर हमारे बड़े गैराज में खड़ी कर दी। अब ये दूसरी लैम्बोर्गिनी भी हम उसे वहां जाकर खड़ी करा देंगे। और ये देखिए अभी भी हमने धीरे से यहाँ अंदर लगा दिए, देखिए माइकल के मुंह पर निशान, बेचारे कैसे लड़ कर आया अभी भी थी। और ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, देखिए इतना बड़ा होल अभी भी, पता नहीं ये शायद क्या इंजेक्ट करता होगा, हमें नहीं पता अभी भी। तो फाइनली अभी भी आज के लिए इतना, बैटमैन की गाड़ी चुरा के हमें बड़ा मजा आया। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तो बाय बाय अभी भी, हैव अ ग्रेट डे, स्टे सेफ।